लोकसभा चुनावों से पहले दल बदल का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों ने दो दिन के भीतर ही अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया है। हिसार लोकसभा सीट से सांसद ब्रजेंद्र सिंह के बाद अब चुरू से सांसद राहुल कंसवा ने बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थामा है। राहुल कंसवा दो बार बीजेपी सांसद रहे हैं और उनके पिता राम सिंह कंसवा तीन बार बीजेपी सांसद रहे थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। जिन सांसदों के टिकट कटे उनमें से अधिकांश ने पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन राहुल कंसवा ने टिकट कटने पर बगावती तेवर अपना लिए। बहुत समय से फीलिंग आने लग गई थी, घुटन होने लग गई थी काफी नेशनल इश्यूज के ऊपर भी, और जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक लीडरशिप की और एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी, वो कहीं हमें बहुत उससे हमें मिल नहीं रही थी, उसी का बहुत बड़ा कारण रहा। और को करते करते कहने का मतलब मेरे इतना ही कि आज घड़ा भर चुका है, तो वक्त आया है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस रूप में मेरे को हमारा जो मान सम्मान दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डोटासा साहब का, अशोक गहलोत साहब का, सचिन पायलट साहब का भी, पूरी राजस्थान की टीम का, हमारे प्रभारी रंधावा जी का भी, सब ने जो मुझे हौसला अफजाई करी है और वैल्यू की है इन जन भावनाओं की, चुरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों की, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वही विकास कायम रहेगा, हम आगे बढ़ते चलेंगे और चुरू को आगे बढ़ाएंगे। चुरू के सांसद राहुल कंसवा के कांग्रेस में शामिल होने पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने पर मैं राहुल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि सामंतवादी लोगों के खिलाफ लड़ने वाले राहुल कंसवा जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। खड़गे ने आगे कहा कि अगर ऐसी विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ते गए तो बीजेपी कहीं की रहेगी नहीं। बीजेपी डराने और धमकाने जैसा काम हमेशा से करती आई है, लेकिन हमें राहुल कंसवा जी जैसे लोगों की जरूरत है। अपने फैसले की घोषणा करते हुए राहुल कंसवा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे चुरू का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया। कंसवा ने एक्स पर पोस्ट किया कि राजनीतिक कारणों से आज इसी क्षण में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और संसद सदस्य के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे 10 साल तक चुरू लोकसभा परिवार की सेवा करने का मौका दिया। बता दें कि बीजेपी ने चुरू लोकसभा सीट से दो बार के सांसद कंसवा की जगह पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेन झाझरिया को टिकट दिया है। और इसी घटनाक्रम के ठीक एक दिन पहले ही यानी कि रविवार 10 मार्च को हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी को छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी से रिजाइन की जानकारी ब्रजेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी थी। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि राजनीतिक कारणों से बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं पार्टी के साथी पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे हिसार के सांसद के रूप में सेवा करने का अवसर दिया है। बीजेपी के दो सांसदों का जाना कहीं न कहीं पार्टी के लिए बड़ा खतरा साबित होगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वी डेस्क NDT ऑनलाइन।